हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी यूनिट चल रही है, इसी का जगह फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट हमें लास्ट टाइम जो देखा था वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा था, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में समझे थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर C1 प्लस C2 प्लस C3 टाइप का आता था, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का समेशन रहता था इक्विवेलेंट के लिए, और उसमें आपका रेसिप्रोकल होता था। समझ में आ रही बात। 1/C eq = 1/C1 + 1/C2, ये कब होता था? सीरीज के टाइम, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ यूजेस बताए थे ना, अगर आप एक बार मैं क्विकली रिमाइंड करा दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल स्टूडेंट हम क्यों करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम पर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। और जो नेट आपको कैपेसिटेंस मिलता है वो क्या मिलता है? बड़ा हुआ मिलता है, मतलब इंडिविजुअल से ज्यादा कैपेसिटेंस आपको लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट उस केस में जहां पर हमारे पास छोटे छोटे कैपेसिटेंस से हमें बड़ा कैपेसिटर का काम करवाना हो, वहां पर हम उसका इस्तेमाल करते थे पैरेलल प्लेट का, ठीक है ना। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल स्टूडेंट हम कब करते हैं? जब हाई पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को ब्रेक करते हैं V1, V2, V3 करके डिफरेंट कैपेसिटेंस में, तब उसका यूज लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ये मैंने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है ना। इसे जरा स्टडी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप समझ सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले कहा था ना कि व्हाट इज कैपेसिटर। अगर मैंने आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स ऑन विच वन कैन स्टोर अ लॉट ऑफ चार्ज एंड हेंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा मैंने कहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्टोर होता है तो हम समझिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या वहाँ पर होती है, वो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर हमारे पास फिनोमिनन है, उसी को हमने स्टडी करना है कि कैसे कैसे क्या एनर्जी होती है। मैंने बीच में थोड़ा बहुत इस बारे में बताया था, जैसे जैसे हम यहाँ तक पहुँचे उस बीच में मैंने बहुत बार इसको यूज़ किया, इस कॉन्सेप्ट को, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास अगर स्टूडेंट सोचे कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये आपकी अर्थ एंड है, और ये यहाँ से आपका, यहाँ पर मैंने आप पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने इस पर एक्यूमुलेट, ठीक है ना, इस पर अगर मैं समझता हूँ पॉजिटिव चार्ज इस पर एक्यूमुलेट, ठीक है। तो ये समझिए कि अभी इतना चार्ज इस पर आ सकता था, लेकिन इतना चार्ज आया नहीं, अभी सिर्फ इतना ही चार्ज एक्यूमुलेट हो पाया इसमें। तो इस अगर चार्ज की वैल्यू अगर स्टूडेंट मैं सपोज करता हूँ कि इस चार्ज की वैल्यू अगर कितनी है, पॉजिटिव क्यू, और टोटल चार्ज जो इस पर आता वो बड़ा क्यू था, कैपिटल क्यू, बिग क्यू, ठीक है ना। तो अभी स्मॉल क्यू हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पर, तो अभी मतलब अभी फिनोमिनन चल रहा है, स्टोर चार्जिंग का फिनोमिनन चल रहा है। अभी ये चार्ज रहता उसी इंस्टेंट पर, बीच में हम आए कहीं पर, हमने क्या करा, हमने बोला कि अभी इस पर क्या कोई पोटेंशियल है, क्या इन दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है? स्टूडेंट अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं इस पर पोटेंशियल कितना, आप सीधे बोलेंगे जीरो है, क्योंकि अर्थ एंड। मैं इस पर पूछूं पोटेंशियल कितना है, अगर मैं बोलता हूं कि इस कैपेसिटर की अगर कैपेसिटी सी है, कितनी है, सी है, तो मैं अगर पूछूं कितना पोटेंशियल इस पर है, आप जानते हैं कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी ना। तो क्यू कौन सा, स्मॉलर क्यू अभी इस पर है, क्योंकि जो कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटी अभी इस चार्ज के कारण होगी ना, तो वो कितना है क्यू चार्ज। और पोटेंशियल अगर मैं सपोज करता हूं वी पोटेंशियल इसका, जो कि मुझे निकालना है, तो कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस तो गिवन ही होता है किसी भी कैपेसिटर का, जो कि कांस्टेंट होता है। तो मुझे V निकालने के लिए काम करना था, मैं बोलूंगा V इज इक्वल टू कितना हो गया, Q बाय C। ये बात निकल गई, मतलब इस इंस्टेंट पर जब इस प्लेट पर पॉजिटिव Q चार्ज, इतना चार्ज प्लेस है, तो उस समय पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट एक और इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि अगर इस स्मॉल Q की वैल्यू जीरो हो जाती, अगर इस स्मॉल Q की वैल्यू जीरो हो जाती, तो ये बता रहा है कि पोटेंशियल इस पर जीरो होता। बात बिल्कुल सही है, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है ना। और हम बोलते हैं इफ द चार्ज इज क्यू इज गिवन टू दिस कंडक्टर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही, तभी सी आता था। अब स्टूडेंट एक छोटी सी बात मैंने आपको बताया था ना, अब मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहां से इस पर अगर चार्ज डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अगर इस पर क्या कर रहा हूँ, चार्ज डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने डी क्यू चार्ज लाया, स्मॉलर चार्ज, बहुत स्मॉल अमाउंट का चार्ज, डी क्यू अगर मैं इस पर प्लेस कर रहा हूँ, होगा क्या, जैसे ही मैं इस पर DQ चार्ज डालूंगा, DQ का नेचर अगर पॉजिटिव नेचर आप समझ ले, तो DQ जब इसमें जाएगा तो यहां ऑलरेडी प्लस Q चार्ज है ना, प्लस Q चार्ज होने से हुआ क्या, प्लस Q चार्ज होने से पोटेंशियल क्रिएट हुआ इस प्लेट पर, पोटेंशियल का मतलब Q बाय C हुआ, पोटेंशियल कर क्या रहा है, पोटेंशियल मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उस इस पॉजिटिव चार्ज को आने नहीं देंगे, अब वो इसको रोकेंगे। अब वो बात अलग है कि अगर यहां पर प्लेस होगा तो वो रहेंगे, लेकिन ये पोटेंशियल फील तो करेगा ना, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है। जब पहला चार्ज आपने डाला होगा वो कोई पोटेंशियल फील नहीं करेगा, क्योंकि उस समय कोई भी पोटेंशियल प्लेट पर नहीं था, क्योंकि उस समय प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था। तो जब आपने पहला चार्ज डाला होगा उस समय आपको कुछ पोटेंशियल फील नहीं होगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पर अगर मैं डी क्यू चार्ज डालता हूं तो ये प्लस क्यू के कारण एक पोटेंशियल मिलेगा जिसकी वैल्यू ये होगी, जो चाहेगा कि यह ना है। तो ये पोटेंशियल है बेसिकली, ये है पोटेंशियल, समझ में आ रही बात। और क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती से यहां रख दूं, यहां पर हम जानते हैं ना वर्क डन अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स,
उन्हें पोटेंशियल एनर्जी आपको याद होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं जबरदस्ती इस पर स्टोर करना चाह रहा हूँ, ऐसे तो करते हैं हम जबरदस्ती करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हम इसे क्या करेंगे यहाँ अंदर डालने की कोशिश करेंगे और इस पर एक रिपल्सन बाहर को पड़ रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। तो वो वर्क अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ कि जो वर्क मैंने इसे यहाँ से यहाँ लाने में किया होगा, वही वर्क स्टूडेंट मेरा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड स्मॉल वर्क को अगर मैं DW कह रहा हूँ, और आप जानते हैं ना स्टूडेंट की वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू नोन एज क्या पोटेंशियल, ठीक है। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पकड़कर आप लाए और उसे आपने Q0 चार्ज को लाए और उसे यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन किया किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में उसकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो ये समझिए कि इन्फिनिटी से आप इसे ला रहे हैं और आपने इसे यहाँ स्टोर कर दिया, लेकिन इस बार Q0 की वैल्यू क्या DQ, क्योंकि Q0 किसको ला रहे हैं इस बार DQ को ला रहे हैं, तो DQ लिख दूंगा, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा जो कि अभी मैंने DW दे रखा है कि स्मॉल वर्क डन है, ऐसा रिलेशन देगा V, और ये V किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये V रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को। कौन से पोटेंशियल को, जो यहाँ पर मेंटेन हो रखा है, जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी इतनी वैल्यू दे रहा है। तो स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ कि मुझे किस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना मुझे, क्लियरली समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं DW की वैल्यू बोलूँ तो मैं बोलूंगा ना V × DQ, जिस पोटेंशियल के अगेंस्ट मैं वर्क कर रहा हूँ वो पोटेंशियल रखना चाहिए था यहाँ पर, वही मैंने रखा, और उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट Q/C dQ इज इक्वल टू DW। अब चूंकि ये स्मॉलर अमाउंट है वर्क डन का, हमें वर्क डन बेसिकली हो क्या गया, ये आपका DU हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, यही होता है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स अगर करते हैं वर्क पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे अगर इंटीग्रेट चाहिए, मुझे चाहिए कि नेट इंटीग्रेशन मिले, तो मेरे पास जो नेट आएगा वो U आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ वेरिएबल कौन है, सी आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, जहाँ पर सी निकला हुआ वहीं से आप जानते हैं ना सी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी से निकला था, तो सी कांस्टेंट है मतलब बाहर लिया जा सकते हैं, अंदर क्या बच गया QdQ। QdQ का स्टूडेंट आप जानते हैं ना इंटीग्रेशन, मैं फिर भी लिख लेता हूँ, x^n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है याद करें, x(n+1)/(n+1) ऐसा होता है ना। अगर यहाँ कुछ सर्टेन लिमिट्स है तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, अदरवाइज आता, तो अभी मैं लिमिट रख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। लिमिट क्या रख रहा हूँ, Q पर लिमिट रखनी पड़ेगी, मतलब Q कितना मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम क्या जीरो हो सकता है, जीरो जब कुछ भी चार्ज नहीं था तो जीरो, और कब तक मैं सम करता रह रहा हूँ ऐसे पोटेंशियल्स का, तब तक मैं करता रह रहा हूँ जब तक कि पूरा चार्ज स्टोर नहीं होता, पूरे चार्ज को मैं कैपिटल क्यों कह रहा हूँ। ध्यान रखिए ये स्मॉल क्यू तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर लिया गया चार्ज है, मैंने कहा ना यहाँ तक जब पूरा फिल हो जाएगा वो कैपिटल क्यू तक मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब सिंपली इसे कर देते हैं 1/C, अगर आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बार 1 है, 1+1 2 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा Q² नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 to Q ऐसा बनेगा ना, यहाँ पर ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन बॉक्स वैल्यू, ऐसे लिख लेते हैं ये, ठीक है। अपर लिमिट 2 को भी मैं बाहर ले आता हूँ स्टूडेंट, ऐसे करके एक बार अपर लिमिट रखिए इस वेरिएबल के प्लेस पर, तो कितना हो जाएगा Q² माइनस करके लोअर लिमिट रखिए तो वो जीरो ही हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं U आपका जो मिला रिजल्ट वो मिला U = Q² / 2C, ये हमारा रिजल्ट आया। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी कह दिया जाता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है, Q² / 2C। अब आप चाह सकते हैं तो इसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में बदल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी बदल आ सकते हैं ना आपके पास, कहीं आपको अगर यही फॉर्मूला गिवन हो और आपको दे दिया जाए कि एक प्लेट है उसके बीच में, जरा ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही माना जाएगा ना V, क्योंकि ये तो जीरो है, ठीक है। तो आपके पास अभी गिवन होगा कि एक दो प्लेट्स है, एक अर्थिंड है, एक इस तरह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 का है, इसका कैपेसिटेंस अगर 5 फेरेट का है, 5 माइक्रोफेरेट का है, तो बताइए कि इस पर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ढूंढते रहेंगे, आपको क्यू तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप कर क्या सकते हैं C = Q/V से निकाल सकते हैं ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब मैं यहीं पर कर देता हूँ, मैं फॉर्मूले में, ये किसकी टर्म्स में था, Q/C की टर्म्स में। स्टूडेंट मैं ऐसा कर सकता हूँ कि C = Q/V से ना Q = C × V बोल देता हूँ, Q = C × V बोलने से ये C² हो जाएगा, ये V² हो जाएगा, नीचे हाफ C बचेगा, वो जो C बचेगा वो उसको कैंसिल कर सकता है ऐसे करके, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ C और V, CV की टर्म्स में आ गया, QC की टर्म में आ गया, किसकी टर्म में आना चाहिए, QV की टर्म्स में आना चाहिए। तो QV की अगर टर्म्स में आना चाहिए, जैसे ये अगर Q और V की टर्म्स में आना चाहिए, तो C को हटाना चाहिए ना मुझे, ताकि CV की टर्म्स में आ जाए। तो C को मैं क्या बोल सकता हूँ, Q/V, तो इसमें मैं यहाँ ही पुट कर लेता हूँ। अपने तरीके से जैसा आपको अच्छे ढंग से समझ में आए वैसा करें, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि Q, C और V कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, QC का एक, CV का एक और VQ का एक है ना, तो VQ का लास्ट बचा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, U = यहाँ पर आप देखेंगे मेरा किसका रिलेशन चाहिए मुझे, QV का चाहिए, तो C को रिप्लेस करना है, मैं बोलूंगा C को रिप्लेस करके कितना बोलूंगा, आराम से देखिए Q/V ना, Q/V मतलब ये, फिर ये कैंसिल हो, कैसा हो जाएगा, मतलब U = कितना रहेगा स्टूडेंट, हाफ QV। तीनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूला यूज होता है,
तीनों ही फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी फॉर्मूले, फिर भी फ्रीक्वेंटली यूज हाफ सी वी स्क्वायर मैंने देखा है यूज अक्सर होता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि स्टूडेंट सभी फॉर्मूले बहुत जाने पहचाने हैं, सभी कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आपको हर कोई याद नहीं करना, आपको कोई भी एक याद कर लेना, वैसे ये याद करें तो अच्छा रहेगा हाफ सी वी स्क्वायर, या वो याद करें जिससे हम निकाला है हमने क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तो कोई भी आप फिर निकाल सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको निकालना। इतना स्टूडेंट समझ में आ गया, ये तो एक केस था, ठीक है। अब कुछ बातें हो सकती है एनर्जी के बारे में कि ये एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर रहती है और ये जनरेट कहाँ से होती है, क्योंकि हमने तो देखा है ना कि एनर्जी बेसिकली जनरेट तो नहीं होती, कि हमने देखा है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहीं ना कहीं से आई है, किसी ना किसी का कन्वर्जन है, यस कन्वर्जन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से जो पोटेंशियल आया है कहीं डायरेक्ट तो नहीं आ गया, जो मैं चार्ज देने की बात कर रहा हूँ चार्ज आया कहाँ से, किसी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के कारण ही तो आया। इसका मतलब जो ये सेल था जो आपने बैटरी यूज करी उस सेल की जो अपनी केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन है इसकी एनर्जी में, तो एनर्जी का कन्वर्जन है, ध्यान रखिए एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करवाना ना, ऐसा क्वेश्चन वन लाइनर का भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए जो इसमें एनर्जी आई हो किसकी कॉस्ट पे आ रही है, कि यहां से जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन है और कुछ नहीं है, एक बात ही। दूसरी बात स्टूडेंट ये कि ये इलेक्ट्रिकल जो आपकी दिख रही है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर है, ये है कहां, तो आप बोलेंगे कि ये जो इसके बीच में याद है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का, बोलना इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या है ये एनर्जी आपकी स्टोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है, समझ में आ रही है ना, जैसे कि अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी किसी फॉर्म में स्टोर है तो अपनी ये वेलोसिटी की फॉर्म में स्टोर है, एक तरह से हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना उस तरह से, ठीक है ना, अदरवाइज फिर आप क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ और यूनिट रखता है, एनर्जी तो कुछ और यूनिट रखती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसकी फॉर्म में स्टोर है, मतलब कि कौन इफेक्ट है, कौन उसका कौन है एजेंट है, तो वो कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे स्टूडेंट एक और फायदा हुआ कि जितनी हमारी एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसी रीजन में है ना, तो इसी रीजन में आपके पास क्या होगा एनर्जी होगी, तो एनर्जी को हमने कन्फाइंड किया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, सारा जो एनर्जी थी वो हमने एक पर्टिकुलर जगह पर क्या कर दी, स्टोर कर दी, इसलिए हम कहते थे कि स्टोर हम एनर्जी को करते हैं, ध्यान रखिए। तो इतना स्टूडेंट समझ में आ गया, ठीक है, मैं छोटी सी कुछ और बातें कर लेता हूँ इससे रिलेटेड फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बिल्कुल ध्यान रखिए क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी और हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी, तीन फॉर्मूला है, ठीक है। अब स्टूडेंट कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हो तो एनर्जी स्टोर्ड को आप कैसे समझाएंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम एनर्जी, अगर मुझे स्टोर्ड बताने का भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आ गया उसमें आपसे पूछा गया कि नेट एनर्जी कितनी है सिस्टम के पास, तो अगर जैसे ऐसे ध्यान रखें, ये फटाफट मैं बना रहा हूं इस तरह से, ये आपका कुछ इस तरह के कौन है कॉम्बिनेशन बने हुए, ठीक है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इस तरह का ये सी वन सी टू सी थ्री ऐसा कुछ है, और क्यू की वैल्यू सेम होगी, बाकी वी सबके क्या होंगे डिफरेंट होंगे, वी वन वी टू वी थ्री, ठीक है। मैं स्टूडेंट एक तरीका बता रहा हूँ उसे फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये और ये आपका ये तीनों किसी एक से कनेक्टेड है ना, यहाँ से ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से, ये रफली मैंने बना दिया इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर इसकी वैल्यू सी वन, इसकी वैल्यू सी टू, इसकी वैल्यू सी थ्री, पोटेंशियल इसका भी वी, इसका भी वी, इसका भी वी, इसका क्यू वन चार्ज इस पर, क्यू टू चार्ज इस पर, क्यू थ्री चार्ज, डिटेल में हमने देखा है, काफी टाइम लिया था ऐसे करने में, हमने आराम से समझी थी पूरी बात है, ठीक है, वो मैंने रफली समझा दिया। स्टूडेंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कभी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कभी हमारे पास हो, उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान रखें दोनों ही केस में आपको क्या करना है, आपको दोनों ही केस में उस वाले एनर्जी में एक आपको सिंप्लीफाई हो सके बात, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं इससे क्वेश्चन देख कर भी, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ वो क्या, ये देखेंगे इसमें कांस्टेंट कौन रहता है, इसमें कांस्टेंट है क्यू, इसमें कांस्टेंट कौन रहता है वी, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो रिलेशनशिप हमेशा एनर्जी की क्यू एंड सी की होगी, यहां जब बात आएगी पैरेलल में, यस पैरेलल में, तो रिलेशनशिप वी एंड सी की होगी, सी दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि सी तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होता है ना, तो आपने क्या करना है कॉन्स्टेंट टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, ये सी जो आपने यहां पर लिखा ना वो सी कौन सा वाला है डिफरेंट के लिए, इसके लिए सी वन होगा, इसके लिए सी टू होगा, जैसे मैं करके दिखाता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन के टर्म्स में क्यू और सी का रिलेशन, क्यू और सी का रिलेशन कौन सा है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वाला फॉर्मूला ना, तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट वाले कैपेसिटर में जो एनर्जी है आपकी वो है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वन प्लस, क्योंकि सी वन है ना इसका, सेकंड वाले पे आप बोलेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी टू, ऐसे करते हुए आप बोलेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी थ्री, ये करते हुए आप चलते रहेंगे, ठीक है ना, तो ये आपकी टोटल स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस तरह से निकालना, क्यू स्क्वायर को चाहे तो बाहर निकाल लें, जो कर सकते हैं कर लें, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान रही आपको, जो जिसमें कॉमन होता है उसका कैपेसिटेंस के साथ, जो जिसमें कॉमन होता है उसका कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन लेना, ऐसे करना तो फायदेमंद रहेगा, ठीक है, आपको दिखेगा कुछ फायदे होंगे इससे, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, मैं क्या बोलूंगा, मुझे कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए, हाफ सी वी स्क्वायर वाला लेना चाहिए, क्योंकि वी और सी का रिलेशन जो सेकंड निकला था, हाफ सी वी स्क्वायर यहां फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, आपको याद नहीं करना है, ज्यादा याद नहीं करना, देखिए बात पूरी समझ में आ रही है हमें, ये सी वी का रिलेशन है,
ये आपका क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी का रिलेशन है यहाँ पर। यहाँ अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ टोटल एनर्जी का, मैं बोलूँगा हाफ सी वन, इसके लिए वी स्क्वायर, फिर क्या बोलूँगा हाफ सी टू वी स्क्वायर प्लस हाफ सी थ्री वी स्क्वायर, ऐसे करते करते हम जाएंगे। वी स्क्वायर चाहे तो कॉमन ले लेना, अंदर क्या क्या कॉमन ले लेंगे, उसमें वी स्क्वायर अपॉन टू पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सी वन प्लस सी टू प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू ये यू। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये सी वन सी टू सी थ्री ये है क्या बेसिकली, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कि नहीं है इस पैरेलल प्लेट के लिए। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे कि वी स्क्वायर अपॉन टू मतलब क्या हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, बना कि नहीं बना फॉर्मूला जैसा बनना चाहिए था। सिंपली क्या देखा हमने कि अगर मैं इससे पूछता आपके लिए एनर्जी कितनी होगी, तो आप समझ गए तीनों को रिप्लेस करके एक सी आएगा ना, तो वही तो बात हो रही है। एक अगर मैं ऐसे करता, मैं बोलता एक कैपेसिटेंस आ गया जो कि सी इक्विवेलेंट का है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी का है और इस पर बहने वाला चार्ज क्यू है। मैं अगर आपसे पूछूंगा एनर्जी कितनी होगी, आप बोलेंगे ना सीधे हाफ सी वी स्क्वायर, सी या सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, सी का प्लेस ये तो लेगा, तो वही काम हुआ स्टूडेंट। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आराम से क्यों ऐसा बोला गया था, आपको समझ में आ रही है बस कि क्यों ऐसा मैंने बोला कि इसमें जो कांस्टेंट है उसमें कांस्टेंट है। अगर सुन आपसे सिंपली पूछता कि इस पर एनर्जी कितनी होगी आपकी, देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, आपने यहाँ से देखा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सब में कॉमन आ गया, क्या बच रहा है वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस डॉट 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 ऐसे बच रहा है। और ये पूरी थिंग हमारी किसके इक्वल है, आप जरा आराम से समझे, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्विवेलेंट के इक्वल है कि नहीं, यही वन अपॉन सी वन वन अपॉन सी इक्विवेलेंट के इक्वल है ना, मेरी बात स्टूडेंट समझ में आ रही होगी। तभी अगर हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा हुआ, क्योंकि ये चीज क्या बन रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन का बन रहा है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह का इक्विवेलेंट वन अपॉन सी वन है। तो हुआ क्या स्टूडेंट, कोई बड़ा काम कुछ नहीं हो रहा। अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें क्या रिलेशन है, आपको अगर ये समझ में आ गया क्यू और सी का रिलेशन देना है, तो आप डायरेक्ट रिलेशन दे, आप बोले टोटल एनर्जी इतनी है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्विवेलेंट, ये टोटल एनर्जी है। यहाँ आपको समझ में आ गया सी और वी का रिलेशन देना, तुरंत बोले हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर एनर्जी की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरी बात क्लियरली समझे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कांस्टेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कांस्टेंट है, दोनों का सी के साथ करना है। और जो फाइनली मैंने बात कही, इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा ना, फाइनली आप देखते क्यू और सी का है, तो आप क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्विवेलेंट रख देंगे। समझ में आया कि सी और वी का हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर कर देंगे, ये स्टूडेंट बात होती है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है आना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिए हमारी एनर्जी जो स्टोर है वो किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है स्टोर, जो कि कैपेसिट प्लेट्स के बीच में है। और वो किससे जनरेट हुई है, कहाँ से उसका कन्वर्जन हुआ है, तो ध्यान रखिए वो सेल की, जो आपने यूज्ड सेल है आपका जो वहाँ पर, उसके केमिकल एनर्जी का वो कन्वर्जन है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट और आता है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, डेंसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली इसे कहते हैं एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें, मैंने एग्जाम में देखा है, ये आता हुआ मैंने इसे देखा है इस क्वेश्चन को, मुझे एक्जैक्टली तो याद नहीं कौन से ईयर में आया था, लेकिन मैंने देखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रेंसिटी वर्ड आता है कि ये प्रूव कीजिए इसकी वैल्यू कुछ होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्रूव कीजिए कितनी होती है। और बहुत शॉर्ट टॉपिक है, तो जब भी आपके पास आएगा ना, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल डेंसिटी मत निकालना, एनर्जी डेंसिटी पहले ये निकालना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे मैंने किया, और फिर करना, क्योंकि तीन और चार मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो फिर इतना छोटा सा अगर हम करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी निकालने के लिए आएगा ना एनर्जी, तो जो मैं कह रहा हूँ करना, जैसे स्टूडेंट मैं कहता हूँ डेंसिटी क्या होती है बेसिकली, डेंसिटी अगर मैं कहता हूं, मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, ठीक है। अभी आप करंट डेंसिटी भी आगे पर पढ़ेंगे, वो भी कुछ होता है, ठीक है। डेंसिटी और भी डिफरेंट टाइप की डेंसिटी होती है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी डेंसिटी होती है यही तो होती है, पर यूनिट वॉल्यूम पर निकलने वाला जो भी अमाउंट जिसकी बात हो रही हो, डेंसिटी मास डेंसिटी में मास की बात होती है, यहां पर किसकी बात हो रही है एनर्जी की। तो इसका मतलब स्टूडेंट मेरी जो एनर्जी डेंसिटी होगी, अगर मैं उसे ईडी से रिप्रेजेंट करूं, कोई कंफ्यूजन ना हो मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसा करता हूं डेंसिटी तो है, इसे ई लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, समझ जाना, ठीक है। आप जो भी नोटेशन होगा आप देख लीजिएगा इसका, आप क्या करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में तो होगी, जैसे मास डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में होती है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में होगी, ये फॉर्मूला तो बनेगा और कुछ नहीं। तो ये मेरा जो टॉपिक है, ये एनर्जी डेंसिटी फॉर अ पैरेलल प्लेट, लिख लेना आगे पर क्या पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस इसके अक्रॉस है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी का, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, डी होता है ना, ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाया, ठीक है, आप कंफ्यूज मत करना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस डी इनके बीच का डिस्टेंस होता है, इनका एरिया होता है ना प्लेट्स का, अपना पैरेलल प्लेट का कितना ए होता है एरिया। अब बड़े आराम से समझे, ए इसका एरिया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर डी ट्रेवल किया तो इतना जो वॉल्यूम बना, मैं बोलूँ इस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी, आप क्या बोलेंगे, जो एरिया टाइम्स डिस्टेंस, क्लियरली समझ में आ रही है ना बात, तीन डायमेंशंस का प्रोडक्ट क्या होता है वॉल्यूम ना, ये आपका क्या बन गया लेंथ, अगर आप इसे समझे कि ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और फिर ये आपकी एक तीसरी डायमेंशन हो गई, ठीक है, ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई,
क्या समझ पा रहे हैं स्टूडेंट आप मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये आपका एरिया बनाता है, ये एरिया दो डायमेंशन है और तीसरी डायमेंशन ये, तीन डायमेंशन से मिलकर क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो वॉल्यूम किस किसने बनाया? एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ने, मतलब एरिया ऑफ प्लेट इंटू डिस्टेंस। क्लियरली बात समझ आई होगी, समझ आई स्टूडेंट बात? तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ई की वैल्यू रख देनी है जो हमने निकाली थी। क्या ई की वैल्यू निकाली स्टूडेंट हमने? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और यहाँ a इंटू डी, इतना निकल के आया। ये बात स्टूडेंट आपको समझ में आ रही है ना? अगर मुझे आप एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, q इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, अगर मैं निकालूं सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a होता है कि नहीं होता? क्योंकि हम q को यहाँ कैसे जानते हैं? सिग्मा की फॉर्म में जानते हैं ना, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू q बाई a होती है। तो q को मैं a इंटू सिग्मा बोल सकता हूँ ना स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? क्योंकि सिग्मा की टर्म्स में मैं आंसर को ला रहा हूँ, a इंटू सिग्मा मतलब a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2cAd। इतना स्टूडेंट समझ में आ रहा है? आप चाहें तो यहाँ से ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं। डी की वैल्यू जो डेंसिटी की वैल्यू है, और ध्यान रखिए इसे किसी और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहें तो, ये आ गई ए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2c और ये डी आ गया इस तरह से। या तो आप इसको इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, जरा आराम से समझे कुछ बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला है जरा इस पर गौर कीजिए, ये फॉर्मूला क्या है डेंसिटी, इसे ध्यान रखिएगा किस नोटेशन से देखते हैं, इसे देख लीजिएगा। यहाँ आराम से समझे, सिग्मा स्क्वायर ए, ये क्या क्या आ रखा है, ए सिग्मा स्क्वायर 2cd, कितना आ रखा है 2cd ना, 2cd। इस पर जरा कुछ फोकस करें स्टूडेंट, ये कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के टाइम पे सी की वैल्यू कितनी होती है, जानते हैं ना हम इसको, तो हम इजीली जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए अगर मैं एयर पर बात करूँ कितनी होती है वैल्यू, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है कि नहीं होती, इजीली आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना? सी की वैल्यू ये होती है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर आप आराम से वैल्यू पुट करें, ए सिग्मा स्क्वायर नीचे लिखे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, चलिए मैं लिख लेता हूँ डी और ये डी यहाँ पर एक सामने, ये कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे स्टूडेंट? रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा आपका एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बचा हुआ है, ए ए गेट्स कैंसिल ऑफ, ठीक है, हाफ सिग्मा स्क्वायर और नीचे क्या बचा आपका एप्सिलॉन नॉट, ये स्टूडेंट आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये क्या आपका रिजल्ट आ गया, हाफ सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रिजल्ट है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखेंगे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल इसे ध्यान रखें इस बात को, ये एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियरली बात समझ में आ रही? इसे आप दूसरे तरीके से भी स्टूडेंट कर सकते थे, जैसे मैंने एनर्जी निकाली ना, एनर्जी मैंने स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू ये निकाली, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू मैंने लिखी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और ये आप समझ रहे होंगे कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का वैल्यू मैंने कहां से लिखी, जो इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c की वैल्यू की, सॉल्व किया इस तरह का रिलेशन निकल गया। क्लियरली स्टूडेंट बात समझ में आ रही है? बस यही आपके पास जो है ये कौन है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो ये था हमारा टॉपिक जो बेसिकली हमने पढ़ना था, किस चीज़ के लिए पढ़ना था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो मैंने लास्ट में बताया, मैंने बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताया था। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ cv स्क्वायर प्लस दूसरा वाला तीसरा वाला क्या है हाफ qv, थर्ड मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो बताया इसे ध्यान रखें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी आ गई फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।